अस्सलाम वालेकुम मौली साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात। मौली साहब आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी जी जरूर आए बैठे। जी जनाब बताएं क्या बात करनी है। मौली साहब क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं। जब से ये कोरोना वायरस आया है और ये लॉकडाउन हो गया है तब से बेरोजगारी बढ़ गई है, घर में फाके पड़ गए हैं, दुकान बंद है, बहुत परेशान हूं इस वजह से, कोई हल निकालो उसका। जनाब मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं पर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। मौली साहब मैंने आपका बहुत नाम सुना है इसलिए मैं आपके पास आया हूं। इस मसले का आपके पास हल होगा या फिर कोई तावीज़ लिख के दे दें ताकि मेरे मसाइल हल हो जाएं। जी जनाब मैं आपको तावीज़ भी दूंगा और कुछ हिदायत भी करूंगा, अगर आपने तावीज़ के साथ साथ उन हिदायत पर भी अमल किया तो इंशाल्लाह आपकी तमाम मुसीबतें दूर हो जाएंगी। शुक्रिया मौली साहब मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम मौली साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मौली साहब आपके तावीज़ ने तो कमाल ही कर दिया और आपने जो बातें बताई उन सब पर भी मैंने अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की ज़िंदगी गुजर रही है, अब कोई भी परेशानी नहीं है, ये सब आपकी मेहरबानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब बहुत अच्छी बात है। अच्छा जो मैंने आपको तावीज़ दिया था वो आप लेकर आए। जी मौली साहब मैं लाया हूँ। अच्छा वो मुझे दिखाएँ ज़रा। देखें जनाब इस तावीज़ में कुछ भी नहीं लिखा, ये बस कागज़ का एक खाली टुकड़ा है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और ना ही मेरे तावीज़ का कोई कमाल है। मैंने जो आपको दीनी हिदायत की थी आपने उन पर अमल किया, ये सब उसी का सिला है। देखें मेरे भाई ये सब आपके अमाल की वजह से हुआ है। हर मुश्किल के पीछे आसानी होती है, वो तो हम आजकल के मुसलमान हैं जो थोड़ी सी तकलीफ़ आने पर बारगाह इलाही को छोड़कर गलत काम कर बैठते हैं, यहाँ तक कि हमसे शिर्क भी हो जाता है। बेशक मौली साहब आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी, बस आखिर में मुझे एक नसीहत कर दें जिससे मेरी दुनिया और आखिरत संवर जाए। मेरे भाई आखिर में मैं आपको यही नसीहत करूंगा कि ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल घड़ी आए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करें, इंशाल्लाह आपकी तमाम मुसीबतें दूर हो जाएंगी और आप दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखुर हो जाओगे।